तुम्हारा हर कदम यहाँ खतरों से भरा पड़ा है। हर पल मौत से सामना होगा। संभल के चलना होगा। इस इलाके में पहले भी बहुत मौतें हो चुकी हैं। हर कदम संभाल कर रखिए। आगे चलते रहिए एक साथ। इसे पार करना होगा। कॉपी। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्लीज जवाब दीजिए। व्हाट हैपेंड सर? हम आगे नहीं जा सकते। तूफान बढ़ता ही जा रहा है। Thank you.
हाँ आ रहा हूँ। देर हो रही है। अरे सब लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर बस आ रहे हैं। अभी वो दिन चले गए जब मैं टाइम पे आता था। अब तो मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। चल ठीक है, टाइम कोटी मत कर। वहाँ शो शुरू होने वाला है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब चलो देर हो रही है। मैंने गरम समोसा मांगा था, क्या हो गया? क्या मांगा था? गरम समोसा। गरम समोसा, चल अभी खिलाती हूँ। नमस्ते। हफ्ते के आखिर में जिंदगी से बोर होकर, घर वाली से परेशान होकर, बॉस की डांट सुनने के बाद अपनी रेगिस्तान बन चुकी जिंदगी को फिर से हरा भरा करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। एक ही चीज है जिसने यंगस्टर्स को एक ही साथ बांधा हुआ है और वो है इंजीनियरिंग। आप सबका शोर सुन के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप सब में भी इंजीनियरिंग का कोई बड़ा कीड़ा छुपा हुआ है। भाई साहब, ये लो मिल गया वो कीड़ा। अरे कम से कम मेरा डायलॉग खत्म होने का वेट तो कर। किस चीज में अपने पढ़ाई के झंडे गाड़े हैं? होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में मतलब पकाओ, खिलाओ, पिलाओ और लोगों का पेट बढ़ाओ। बहुत अच्छे। खिलाने पिलाने से याद आया कि हमारे देश का करप्ट नेता भी खाने पीने में माहिर होता है और जनता को क्या मिलता है? एक बोरिंग, पकाऊ और घिसा पिटा भाषण जिससे किसी का पेट नहीं भरता। पर मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि मैं भाषण नहीं देता, कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसी कहानियाँ जो कभी कभी आपको हंसाती हैं और गुदगुदाती हैं और कभी कभी डराती भी हैं। आज की कहानी है देव सक्सेना की। हर बच्चे की जिंदगी में स्कूल का पहला दिन बहुत डरावना होता है। कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हैं, पर देव इन सबसे बहुत ही अलग था। वो हंसता हुआ आया और हमारे आंसू पहुंचने लगा। तब से हमारी लंगोट वाली दोस्ती चड्डी और नाड़े की तरह टाइट है। और तो और हमारा जन्मदिन भी एक ही दिन आता है। हम तीनों की जोड़ी थ्री मस्केटियर्स की तरह थी। कुछ भी चबाना, साथ में खाना और सबकी नाक में दम कर देना। देखिए मैडम, आपकी बेटी अपना होमवर्क नहीं करती है, आप चेक नहीं करती क्या? सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अब आपका पति नहीं है तो मुश्किल तो होगी। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर, माँ का ख्याल रखने के लिए अभी मैं हूँ। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? वाट लग गई। मुझे तो लगा था कि टीचर हम तीनों को जबरदस्ती मुर्गा बनाएगा और अंडा निकलवाएगा, पर दांव तो उल्टा पड़ गया और टीचर को ही वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा। उस दिन मुझे जिंदगी की सच्चाई का पता चला कि शेर कितना भी बलवान हो, झुंड के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, एकता में बहुत शक्ति होती है। जब मैं बड़ा हुआ तो देव ने मुझसे NCC, रनिंग, ट्रैकिंग सब कुछ करवाया सिर्फ मुझे पतला करने के लिए। मुझे लगा स्कूल के बाद उससे बच जाऊंगा, पर कॉलेज में भी मुझसे चुंबक की तरह चिपक गया। लोग मुझे मेरे नाम से कम और देव के दोस्त के नाम से ज्यादा जानने लग गए थे। नाक में दम कर दिया था। सारे लोग मुझे टॉपर का दोस्त, जोकर कहकर चिढ़ाते। बहुत बुरा लगता था। फिर सोचा चलो नौकरी लग जाएगी, बच जाऊंगा। पर नौकरी के नाम पे मिला गया, जलेबी तलनी पड़ी। जिंदगी का एक साल जलेबी के चक्कर में झंड हो गया। जहाँ देव एडवेंचरस फोटोग्राफी करके अच्छे पैसे कमा रहा था, वही मैं अपने ही समोसे और जलेबी की दुकान में लात घूसे खा रहा था। तभी शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया और उसने उसी वक्त बाहर जाकर MBA करने का एप्लीकेशन लेटर भेज दिया। पापा, यूरोप में यहाँ की मिठाई की बहुत डिमांड है। मैं जाकर वहाँ कस्टमर बनाता हूँ और आप आकर दुकान खोल देना, लोन भी मिलेगा। देव और पापा के चंगुल से निकलकर मैं आजाद महसूस कर रहा था। मैंने फ्लाइट पकड़ी और सीधे यूरोप आ गया। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं जिस इंसान से बचना चाहता था और जिससे भाग रहा था, वो किसी मनहूस साई की तरह मेरा पीछा करते करते मेरे सामने आकर बोला सरप्राइज। मैं तो सदमे में पहुंच गया। बाद में पता चला वो एप्लीकेशन उसी ने भेजा था। ये सब जानने के बाद एक मिनट के लिए मैं समझ ही नहीं पाया कि इस बात के लिए मैं हंसूं या रोऊं। अरे लाइट चली गई, बिल नहीं भरा था क्या? भाई लोग, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं है, लाइट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे भाई साहब, इन्वर्टर नहीं है क्या? अरे थोड़ा सबर करना यार, तब तक अंधेरे में आगे की कहानी सुन। ए, रात भर ढंग से सोया नहीं, सुबह सुबह कहाँ लेके जा रहा है? सरप्राइज। अरे सरप्राइज बोल दिया, अभी मेरी आंखें तो खोल। पहले गिनती गिनना शुरू कर, चल। एक दो, चल उल्टी गिनती गिन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे अब तो आंखें खोल ले यार। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। हैप्पी बर्थडे देवा। हैप्पी बर्थडे घोचू। हैप्पी बर्थडे चिपकली। सरप्राइज तो देख ले कल्लू। देव, ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे पता है ना उसे पानी से डर लगता है।
ओए चलो उठ, मजा आया कि नहीं? ये तो बस शुरुआत है। इस जन्म में मिल गया लेकिन अगले जन्म में मुझसे मत मिलना, अगर मिला ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। हंस क्या रहा है? चलो उठ, मगरमच्छ आ गए तो कच्चा चबा जाएंगे, चल जल्दी। तेरे साथ जाने से तो अच्छा है कि मगरमच्छ मुझे कच्चा चबा जाए, कम से कम तेरे से पीछा तो छूटेगा। ये लो, एक गेंडी, उठना। ए चुप कर, चिपक ली गेंडा, धूप सेक रहा है, डोंट डिस्टर्ब। यहाँ की धूप में फ्राई हो जाएगा। तो होने देना, तंग आ गया हूँ, पूरी जिंदगी नरक बना रखी है। अबे कल्लू, बैंगन तो दिखता ही है, भरता बनने में टाइम नहीं लगेगा। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे चल परी, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। बर्थडे का क्या मस्त गिफ्ट भेजा है। लगा रहे, लगा रहे। तेरी जा, हीरो तो इधर है। कल्लू क्या नौटंकी कर रहा है, नाक कटाएगा क्या हमारी? चुप कर, चुप कर ली। ये लो। थैंक यू। क्या चाहिए उसको? अबे पानी मांग रही है। पानी में से डुबकी लगा के तो आ गई, तो वापस पानी क्यों? नहीं नहीं, वो भी हमारे साथ आना चाहती है। अच्छा, लेकिन क्या करें, ऐसा लगता है ये बेचारी मुसीबत में है। अब क्या बोल रही है? हाँ, मना कर दिया। मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, रुक अभी बताता हूँ इसको। हेलो बेबी, आई टेक यू, आई कम। इसे बोल कार चलाए, ये भी हमारे साथ जाएगी। निशा, इसे मगरमच्छों के आगे फेंको और चलो यहाँ से। एक अबला नारी की मदद करने की तू मुझे ये सजा दे रहा है? दोस्त ऐसा हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? इसको बोलना कार चलाने के लिए। देव यार मान जाना। चल ठीक है, ले चलते हैं। आई लव यू, आई लव यू। तेरी तो लॉटरी लग गई मोटे। चल चल धन्नो। अबे देव, ये मेरा कनेक्शन है। यो, ये, चल हट। कबाबे हटी। I'm superstar. ये ले तेरा चॉकलेट वाला, और ये तेरा स्ट्रॉबेरी। नहीं चाहिए, तू ही खा ले। ये क्या हो गया इस मोटे को? पता नहीं, कुछ देर पहले तो उस लड़की से बात कर रहा था, उसके पास से सुई पटक सन्नाटा है। अच्छा, जरूर कुछ कांड किया होगा। चल टेक केयर, बाय 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 बाय। देव आज तो मजा आ गया, थैंक्स। अरे इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास। अरे तूने गाड़ी क्यों रोक दी? यही रुकना है क्या? बस एक फोटो लेनी है, मुझे एक मैगजीन के लिए भेजनी है। अच्छा, इस वीराने में क्या स्पेशल है? चलोगी तो पता चलेगा ना। ठीक है तो देख लेते हैं, चलो। विकी ज्यादा मत पियो और आजा। मिल्की वे के बारे में सुना होगा, ये वही है। वाओ कमाल है यार, ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, पर एक बात है, सारे तारे एक जैसे दिख रहे हैं। दिखते तो एक जैसे हैं, पर सब अलग अलग होते हैं। टोटल 27 किस्में हैं। ये मोटा आ क्यों नहीं रहे? मुंह सुझा के बैठा है, लगता है सांप सूंघ गया। अबे कितनी और पिएगा? ए देना। अरे ये रहेगा तो मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। क्या? अबे गेंडे नाटक मत शुरू कर। अरे तो और क्या बोलूं, जिंदगी झंड बन गई है। पैदा हुआ तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, ये इस बात को कभी समझेगा? कभी नहीं समझेगा। इसके घर पे तो पैसे का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है ना। पापा ने यहाँ भेजा था मिठाई का ठेला लगाने के लिए, लेकिन मेरी जिंदगी ठेला बन गई है। अब गड़े मुर्दे मत उखाड़े। अरे तो और क्या करूं? तुम लोगों के साथ इस खटारे में घूमते घूमते मैं थक चुका हूँ। इस खटारे से बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ दुख है, तकलीफ है, गरीबी है, भूखमरी भी है। अबे तेरी तो, चल नीचे उतर, नीचे उतर, चल बहुत हो गया, चल अब। ए छोड़ना मुझे, चल ना। मुझे इस धोखेबाज से बात नहीं करनी। क्या धोखा दिया तुझे? मुझे इस तरह से जीना पसंद नहीं है। किस तरह से? हमेशा इधर उधर भटकते रहना। तुझे तो लाइफ में किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं और ना ही तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। क्या मैंने कभी कहा कि तू मेरे जैसा बन? कहा तो नहीं। अच्छा
ये बता तू कैसे जीना चाहता है? जेंटलमैन की तरह टाई पहन के नौकरी पे जाऊं, अच्छी सैलरी पाऊं, वीकेंड्स पर पार्टी करूं और किसी लड़की से शादी करके बच्चे पालूं। मतलब तू कुत्ते की तरह टाई पहनना चाहता है? ओ, तो क्या मेरे सपने तेरे लिए मजाक हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं यार। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। 9 से 5 नौकरी करते हैं, मंथ एंड पे सैलरी पाते हैं, बेफालतू की चीजें खरीदते हैं वो भी ईएमआई पर, गवर्नमेंट के टैक्स भरते हैं और अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। मतलब कि दुनिया के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। एक तो इस तरह के लोग होते हैं। अब जरा उन लोगों को देखो, अपने ही ख्यालों में खोए हुए, एकदम बेफिक्र और नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। हम इंसान कुछ नया खोजने के लिए पैदा हुए हैं यार। कॉम्पिटिशन, प्रेशर, ईगो, ये सब हमारे ऊपर दुनिया ने थोपा है, तो हम इसमें क्यों फंसे? पैसे और शोहरत से परे भी एक नौकरी होती है जिससे आपको खुशी और शांति मिलती है। वो नौकरी हमारे लिए बनी है और हमें उसी को ढूंढना है। ए, अरे मेरी भी तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं। तो कर ना पूरी। तुझे लोगों के फटे में टांग डालने की आदत है ना? यहाँ लोगों के पास रोने के बहुत बहाने हैं, तू उन्हें हंसा सकता है? उस वक्त मैं किसी गुस्से सांड की तरह गुस्से से लाल हो रहा था और देव कॉमेडी करने के लिए कह रहा था। गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया था। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा भूत था जो मेरी लंगोट से इतना जबरदस्त चिपका है कि उसे निकालने के लिए जोर जोर से झटका देना पड़ेगा, वरना तो ये सारी जिंदगी भाषण सुना सुना के बोर कर देगा। इससे अभी पीछा नहीं छूटा तो फिर कभी पीछा नहीं छूटेगा। और तभी ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में एक आइडिया भेज दिया, जो काम आदमी नहीं कर सकता औरत चुटकी बजा के कर देती है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो जाके ले ले, मुझे सोने दे। ए, तुझे जिंदगी में एडवेंचर बहुत पसंद है ना? आज मैं तुझे एडवेंचर दिखाता हूँ। ए, क्यों सांड की तरह चिल्ला रहा है? चिपकली, मेरा दोस्त अकेला हो गया है। अरे समोसा, अचानक तुझे इस पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? मुझे इस पर प्यार तो नहीं आया, बस इसकी परवाह हो रही है। वैसे जिंदगी में कोई आ जाए ना तो जिंदगी कलरफुल हो जाती है। प्यार, लव, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास, ये भी तो एक तरह का एडवेंचर ही है ना? बंटा है? ए देव, ए क्या हुआ? आज इस उल्लू ने बहुत पते की बात की है। अरे उठ ना, तुझे एडवेंचर बहुत पसंद है ना? प्यार भी तो एक एडवेंचर जैसा ही है। क्या बात है, मेरा ही डायलॉग मार गई। तुम लोग फिर शुरू हो गए। उसके लिए सही लड़की भी तो मिलनी चाहिए। वक्त आने पर ये पुल भी पार कर लेंगे। अभी मुझे सोने दो। जो सोता है वो सब खो देता है, पर मैं अपने दोस्त को आज कुछ खोने नहीं दूंगा। तेरे लिए लड़की तलाश करके ही रहूंगा। मेरे लिए तू क्यों तलाश करेगा बे? अरे होने वाली भाभी तो मेरी है ना, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। उठ ना बेवकूफ, कहीं की परेशान मत कर। कंप्यूटर, ए रुक, कहां जा रहा है तू? ए रुक ना। मिल गया कंप्यूटर, तो कहां से शुरू करूं? फेसबुक ओपन कर। ओके, www.facebookopen.com, ये हो गया फेसबुक ओपन। फेसबुक पर रिलेशनशिप करेगा? ए, फेसबुक को इतना हल्के में मत ले। आजकल की लड़कियों की जानकारी आधार कार्ड पर कम और फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्यादा मिलती है। ए, देव, एक रिक्वेस्ट तो भेज कर देख लेना यार। बिना जान पहचान के मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा। तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। चुप कर। अरे यार, सिर्फ रिक्वेस्ट तो भेजने के लिए कह रहा हूँ ना। अगर किसी लड़की को अच्छा लगा तो एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं तो रिजेक्ट कर देगी। अगर एक्सेप्ट की तो हाय बोल देना, नहीं तो बाय बोल देना। रिप्लाई करे तो चैट करना, चैट करे तो चुम्मा मांगना। वो तो फ्लो में निकल गया। आजकल तो बच्चे बच्चे की गर्लफ्रेंड होती है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? चल लॉगिन कर। कुछ नहीं होगा। तू भी ना ऐसे नहीं मानेगा। आई लव एडवेंचर, यही पासवर्ड है ना तेरा? तुझे कैसे पता? हाँ तो तू के हाथ में लोटा जमाल कोटा रखेगा। ओए, मेरा लैपटॉप दे। ए, ए, अरे लड़ क्यों रहे हो यार? हाथ मत रखना यार। क्या कर रहा है देव? अरे छोड़ना, टूट जाएगा। क्या कर रही है तू? बहुत हो गया तुमको। अरे बहुत हो गया नाटक, बस कर। मुंह में ताला लगा और तू भी लगा। फ्रेंड लिस्ट में हम 10 से 1 तक गिनती करेंगे। नंबर 1 पर जो लड़की होगी, अगर वो हमें रैपचिक दिखी तो हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। हाँ। अगर नहीं हुई तो आज की बात तो इसको परेशान नहीं करेगा। ओके, अच्छा है, मेरे लिए ओके। अब इससे पूछ। अरे इसे छोड़ना। अरे अब तू शुरू हो गई। तू अपने मुंह का शटर बंद कर, हमें अपना काम करने दे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखा रहा हूँ। एक बार तो कोशिश बनती है यार। 10, 9, 8, 7 कहीं गलती से लड़का आ गया तो देव को तो गे बनना पड़ेगा। 5, 4, 3, 2, 1 ये तो कुत्ते के हटो हटो हटो, लैपटॉप दो। अभी इसको मैसेज भेजता हूँ, टॉमी आई लव यू। ए, ये काउंटिंग इसकी तरफ से थी, अब मेरी तरफ से काउंटिंग कर। हाँ यार, इसने फर्स्ट को भेजने को कहा था, उसे भेजना है, बस हो गया। ए, अरे देव प्लीज यार। ए देव, अभी क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? अरे तेरी,
ये तो नंबर वन है यार। अरे रुक, हाँ। क्या देख रहे हो, मुझे भी तो देखनी तो। खसक वहाँ पे। मेघना पद्मावती। अब इसमें क्या परेशानी है तुझे? कुछ नहीं, बस थोड़ा नाम अजीब सा है ना। क्यों, हाँ। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं। मेघना देव पद्मावती, क्या मैचिंग है यार, दोनों की तो थोड़ी जम गई। चल चल चल, रिक्वेस्ट भेज। अरे भेज 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 ना। अरे गई। नाम मेघना पद्मावती, उम्र 23 साल, वेल सेटल्ड बिजनेस वुमन, जिसने सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पे बिजनेस की दुनिया में एक सक्सेसफुल मुकाम हासिल किया। लैंग्वेज पर रिसर्च करने वाली पद्मावती ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कुछ ही समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाकर तहलका मचा दिया है। ये यूरोप की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीप्ति। व्हाट्स द एजेंडा फॉर टुडे? मैम अभी हमारी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है और 11 बजे फाइनेंसर्स आने वाले हैं। हरीश आ गया? यस मैम, चलते हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे मेघना, सॉरी मैं 2 दिन से कॉल का जवाब नहीं दे पाया। कोई बात नहीं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। मेघना, तुम्हारे सामने एक लेंस बॉक्स रखा है, वो लेंस लगा लो प्लीज। ट्रस्ट मी, यू विल बी सरप्राइज्ड। आज के बाद फोटो खींचने के लिए आप सभी को कैमरा या मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को तस्वीरों में कैद करने के लिए ये लेंसेज ही काफी है। काफी दमदार है। थैंक यू। सो व्हाट डू यू थिंक मेघना? वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। पैसे बहुत कमा सकते हैं पर बेचेंगे नहीं। पर क्यों? इससे लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। बिना उनकी जानकारी के फोटोज और वीडियोस बनाना, उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती। पर मैम, अगर हरीश का यही आइडिया किसी और के हाथ में लग गया तब हम क्या करेंगे? कोई और क्यों? ABC कॉर्पोरेशन अगले हफ्ते ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना हरीश? मुझे कैसे पता होगा? क्यों, पिछले सैटरडे तुम वहीं पर थे ना, तुम्हें तो पता होगा। क्या ऑफर दिया है उन्होंने? कोई बात नहीं, बता दो। जितना यहाँ मिलता है उससे दुगना दे रहे हैं वो लोग। गुड, तो तुम्हें ऑफर ले लेना चाहिए। मेघना देखो, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। गलती से खाई में गिर के चोट लगी तो समझ में आता है, पर दिख रहा है कि आगे खाई है फिर भी उसपे कूद जाना है तो बेवकूफी है ना। मुझे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और शाम तक तुम्हें लेटर भी मिल जाएगा। अब जाओ। मेघना, मैं कंपनी का CTO हूँ। अगले हफ्ते प्रोडक्ट लॉन्च है, उसकी सारी टेक्निकलिटीज मेरे अलावा कौन जानता है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुमने दुश्मनों के साथ जाकर हाथ मिलाया। गेट लॉस्ट। मेघना, अपने झूठे घमंड के लिए तुम कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुम मुझे ये मत सिखाओ। तुम मुझे निकाल रही हो क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गया? क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज मैं छप्पर फाड़ के खुश हूँ। पूरे 6 घंटे हो गए लेकिन इसने अब तक हमसे बात तक नहीं की। बावला हो गया है, बिना रुके ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, नाचा जा रहा है। चलो मैं तो बच गया। पल्ले नहीं पड़ा। अरे तू नहीं समझेगी, ये समझने के लिए पावरफुल दिमाग चाहिए। एक मिनट में अभी आया। क्या रहा है ना गुंडा, लगता है लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। क्या कहा? कुछ नहीं, बड़ी रोमांटिक मूड में लग रहा है। ये क्या तू गरबा डांस देख रहा है क्या? अभी तो घटिया म्यूजिक पर नाच रहा था पागलों की तरह। तो क्या हुआ? अरे कैसा इंसान है तू, मैंने इतनी मेहनत करके तेरे लिए वो लड़की ढूंढी, उस पर ध्यान देने की बजाय तू ये सब कर रहा है। ए समोसा छोड़ ना, जब इसका मन ही नहीं है तो क्यों पीछे पड़ा हुआ है? चल ना छोड़ ना, वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते। क्यों? फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल क्यों करनी है? क्या फायदा? मेरा आईपैड दो उधर। तुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट है नहीं, और उसने कौन सी तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली? उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। ये तो सच में तेरे लिए सही नहीं। क्या बक रहा है?
और रहते भी है अमेरिका में यार। क्या अमेरिका? तो क्या हुआ अगर वहां रहती है? ओ, ये है इंडिया और ये अमेरिका। अब तू इतनी दूर अपनी बारात लेके जाएगा, अकल पे पर्दा चढ़ा है। अच्छा हुआ कि तू उससे बच गया, वरना तेरी जिंदगी के तो लग जाते और हमारे भी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये किसी का फेक प्रोफाइल हो। कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? पक्का फोटोशॉप किया हुआ है। और जरा नाम तो देखना, मेघना पद्मावती। नाम में ही कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देव, फेसबुक तेरे लिए ठीक नहीं है, जरा अपना मोबाइल दे। किस लिए? अरे तू दे तो। मिल गया। अब क्या रायता फैला रहा है? लड़कों के फोन में ताक झाक कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? चल भाग यहां से। चल हट। देव स्माइल। इतनी बहुत है। एमी, स्टेफी, मारिया, मेरी। ओके। क्या कर रहा है? अरे टिंडर यार, 10 किलोमीटर के अंदर जो भी आएगी वो तेरे जाल में फंस जाएगी। बात सुन, अभी ये नया ड्रामा मत शुरू कर, कैंसिल कर उसे। कभी डेट पर गया है क्या तू? बोल गया है? गया है क्या? बोलना। नहीं गया ना? बात बन गई। ये देख रहा है, अबे दुनिया में लंगूरों को हूर नहीं मिलती और तू है कि इन सबको ठुकरा रहा है। अरे होश में आ देव, जरा सोच के देख, क्या पता तुझे तेरे सपनों की रानी मिल जाए। अरे ये सब काम छोड़, तू चल, यू गो। अरे जाना, चुपचाप अंदर जा और एकदम चकाचक हीरो बन के आना। जा और जल्दी आना। क्या लूजर आदमी है। ओए समोसा, तू क्यों अच्छे खासे लड़की को बिगाड़ने पर तुला? जैसे कि ये पहले से दूध का धुला हुआ था, अब इसको लाइन पर लाने के लिए मैं हर खतरे से भिड़ जाऊंगा। 6 डिवोर्स होने के बाद मैंने टिंडर ज्वाइन कर लिया। लव कैन हर्ट यू सी। अगर मुझे पाना चाहते हो तो अपना होम मेरे नाम कर दो, बैंक में अमाउंट है तो वो भी ट्रांसफर कर दो। आर यू ओके विद कैश ऑफर्स राइट? डेटिंग बोला था ना, वो तो मीटिंग निकली। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तुझे तेरे मेघना पद्मावती के साथ मारना नहीं। अरे तू तो मान ही नहीं रहा है। दरवाजा खोल दे नहीं तो तोड़ दूंगा, आखिरी बार बोल रहा हूँ। हाँ तो तोड़ दे, तोड़ दे। अरे ये भी कोई बात हुई? मैं काम की बात करता हूँ, तू एडवेंचर का राग गाता है। अगर तुझे डेट पर भेजता हूँ तो तू संस्कारों की दुआई देता है। अब मेरी भी बात तू ध्यान से सुन ले, आजकल के नए चूजों में यही ट्रेंड चलता रहता है। क्या चलता है? लड़की देखो, बिना फीलिंग के डेट करो और पैसे वेस्ट करो। चल कोई बात नहीं, तू इंतजार करता रहे, अभी शादी मत कर। 60 की उम्र में प्यार कर, 80 की उम्र में शादी कर और फिर रात भर लेटे लेटे कहानियां सुनता रहे। बात सुन, बिना फीलिंग के रिलेशन किसी काम का नहीं है। और भी बहुत कुछ होता है एक रिलेशन में। एक इंसान के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बांटते हो। लड़कियों की इज्जत कर, उन्हें गंदी नजर से मत देख और अपने दिमाग का मैल साफ कर। अब लेक्चर मत दे, बी ए मैन। क्या बी ए मैन? ये फालतूगिरी और छिछोरापन मर्दानगी है। सुन मोटे, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। प्यार अपने आप होता है, उसमें जबरदस्ती नहीं चलती। ओ, ए, तेरे साथ तो बहस ही करना बेकार है। तो इसका मतलब क्या पूरी जिंदगी तू अकेला ही रहना चाहता है? बोल। अबे मैं क्यों अकेला रहूंगा? तुम जैसे दोस्त हो ना मेरे पास। किसका डरता हूँ? निशा। फोन क्यों नहीं उठा रही है? निशा कहाँ है विकी? मुझे क्या पता? 12 बज चुके हैं, कहाँ रह गई वो? बेटी मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ। निशा, मेरी बात सुनो। निशा क्या हुआ? क्या हुआ निशा? ए काम भाग रहा है? कुछ नहीं हुआ। चलो यहाँ से प्लीज। अरे क्या किया उसने? कहा ना कुछ नहीं हुआ। क्या सुनना चाहते हो? कि इस आदमी ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया और अब आया मुझ पर अपना हक जमाने। इस आदमी को बेटा चाहिए था, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मुझे अपनाने से मना कर दिया। मतलब वो तेरे पापा थे? पापा के नाम पर काला धब्बा है वो आदमी। तो तूने उनको भगा क्यों दिया? तो और क्या करती, मैं उसके साथ वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कर निशा, तेरा दिमाग खराब हो गया। जिंदगी बर्बाद करने वाले के साथ जाना अच्छा है क्या? हाँ इसे जाना चाहिए। तुम गुस्सा हो क्योंकि जब तुम्हें जरूरत थी वो तुम्हारे साथ नहीं थे। अब तुम भी तो वही गलती कर रही हो। देव, तू उस आदमी की तरफदारी कर रहा है। हा? मैं तरफदारी नहीं कर रहा, जरा सोच के देख, अब उन्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? उसे अपना वारिस चाहिए ना, इसलिए आया था। जब हमारा बुरा वक्त था तब तो छोड़ के चला गया था। सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? गलतियाँ तुम करो, भुगते हम लोग। निशा, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, अगर तू उन्हें अपनाना नहीं चाहती तो मत अपना, पर उनसे बात तो कर सकती है। उसके समझाने की वजह से निशा को अपने पापा दोबारा वापस मिल गए। एक सक्सेस पार्टी चल रही थी, सारे लोग बहुत खुश थे। पढ़ाई में झंडे काटने के बाद अब सबको आजादी जो मिली थी। मुझे वहां पर ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं कहीं और था।
ए, आज कैसे याद आ गई मेरी? कितना टाइम लगेगा देव? तुम्हें फोटोज और वीडियो सेंड करने थे, अभी तक नहीं भेजे? पिछले काम का अभी तक पैसा नहीं मिला है, इस बार कैसे भेज दूं? फ्रीलांसर की पेमेंट हमेशा डिले होती है, इसीलिए कह रही थी मुझे ज्वाइन कर लो। थिंक अबाउट इट। ठीक है पर 6 महीने के बाद सोच सकता हूँ। क्या? एवरेस्ट जा रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग है। पागल हो गए हो क्या? उसमें बहुत रिस्क है। सुसाइड करना चाहते हो क्या? वहाँ कई लोग फोन करता हूँ। मोंटी को कुछ लोग मार रहे हैं। चल। अरे क्या मार रहे हो? हमला हुआ समोसा। तेरा दोस्त आ गया है। Look at them. अरे थोड़ा रुक जाओ यार। अरे रुको। क्यों भगा रहे हो? अरे रुक जाओ भाई। अरे यार तुझे तो बहुत चोट लगी। हाँ यार। क्या हुआ? ये तो केचप है लेकिन वो जो कुत्ते की तरह मेरी धुलाई कर रहे थे वो असली था। क्या क्या तूने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मत बन। रोजी को तो जानते हो ना? हाँ जानते हैं। फर्स्ट ईयर में जॉर्ज के साथ छैया छैया कर रही थी, बाद में सेकंड ईयर में डैनियल के साथ ताता थैया, और थर्ड ईयर में एंटोनी के साथ सैया सैया। फिर कोर्स पूरा होने के बाद मैंने पूछ लिया आती क्या खंडाला, तो मुझे भैया भैया कहने लगी और उसके भाई मुझे पीटने आ गए। उन्हें तुझे पीटना नहीं चाहिए था। उन्हें मारना चाहिए था। तू भी मार रहा है। पहले गुंडों ने पीटा, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे मार मार के कद्दू की तरह सुझा दिया, लेकिन उसी मार की वजह से आज मैं आपके सामने सक्सेसफुल इंसान बन के खड़ा हूँ। मुझसे एक गलती हो गई, जब हमारा दोस्त प्यार में था तो अच्छा होता मैं उसे अमेरिका ले जाता और उसे वहीं छोड़कर खुद वहाँ से भाग जाता। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, न जाने क्यों देव को अचानक इंडिया जाने की सनक सवार हो गई। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी बरसों की मेहनत पर गोबर करके उस पर धनिया छिड़क दिया हो। अब आगे सुनिए, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहाँ पर ढोल ताशे के साथ हम सबका स्वागत हो रहा था। बड़े एकदम छोटे, ये सब क्या है छोटे? आपके स्वागत के लिए ले गया इन सबको। ये है देव के पिताजी, इंडिया के जाने माने बिल्डरों में से एक। लगभग 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी है। वेलू, कब तक ऐसे ही रहोगे? बच्चों को आगे बढ़ने दो, दुनिया इस 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है। देखो डरना छोड़ो और बच्चों को बहादुर बनाओ। अभी भी वक्त है जी मालिक। पापा। पापा। एक लाइन में कहूँ तो एक अच्छा और प्यारा सा परिवार, सभी इतने खुशकिस्मत नहीं होते। आप भी तो कुछ खाओ प्लीज। देव को हर खुशी मिली थी, एक खुशी छोड़कर, उसकी मां। देव के पैदा होते ही उनकी मौत हो गई थी। देव के पास मां की याद के तौर पर बस एक हाथ से बनाई हुई तस्वीर थी। जो देव ने अपने बचपन में बनाई थी औरों की माओं को देखकर। उसके पापा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे लोरी सुनाई, उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, रोना बिल्कुल नहीं। अब अंदर जाओ, डरना नहीं। अंदर तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं बेटा। उसके पापा नहीं चाहते थे कि उसे लगे उसकी माँ उसके साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी माँ का लॉकेट उसके गले में डाल दिया। Hello, बोल निशा। Hey Dave, मैंने उसे देखा। क्या बोल रही है? किसे देखा तूने? अरे वो फेसबुक वाली। कौन फेसबुक वाली? अरे वो मोरनी और तेरी वो कुत्ते वाली लड़की। कुत्ते वाली? तूने बेगना को देखा? हाँ, अभी अभी मैं उसका पीछा कर रही हूँ। वो चेन्नई में है? हाँ, मेरी गाड़ी के सामने ही है। अरे टाइम पास मत कर, जल्दी आ। आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। कहाँ है तू अभी?
अरे देव कहाँ जा रहा है? अरे अभी नहीं मौसी, मौसी को छोड़कर जाएगा। बहुत जरूरी काम पर जाना है। अरे मुझे तुझसे कुछ बात करनी इम्पोर्टेंट है। आपकी बहू लेने जा रहा हूँ, अब तो जाने दीजिए ना। फिर मजाक कर रहा है ना, इसी वजह से कितने साल गुजर गए। बेटा पापा फोन बज रहा है, उठाओ ना। लगता है तुझे कोई जरूरी काम, तू जा बेटा। बाय पापा। जा, मैं सब समझती हूँ। देव अब बच्चा नहीं रहा, मैंने आपको कितनी बार समझाया लेकिन आप समझते नहीं। अगर वो अभी अपने करियर पे ध्यान नहीं देगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा बताइए। गीता हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि हम उसे सिखाएं कि चलना कैसे, फिर अगर बड़े होकर कोई दौड़ना भी चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते। निशा कहाँ है तू? मैं रोड पर हूँ, उसका पीछा कर रही हूँ। वो ठीक है लेकिन मेन रोड पर किस तरफ? माउंट रोड की तरफ जा रही है। ठीक है मैं 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। अब कहाँ है तू? मैं माउंट रोड के सिग्नल पर पहुँच गई हूँ। मैं भी वहीं हूँ। अरे कहाँ है, दिख नहीं रहा। स्पेंसर के पास हूँ। अरे मैं भी तो वहीं खड़ी हूँ। कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रही। मेरा सिग्नल ग्रीन हो गया, मैं आगे जाती हूँ। क्या हुआ? अबे एक बाइक वाला रास्ते में आ गया यार। वो किस गाड़ी में है? अरे वो ब्लू कलर की मर्सिडीज में है। देव, देव हेलो, अरे कुछ बोल ना। जेंटलमैन, लव प्रॉब्लम, इस उम्र में ये सब चलता है। लगे रहो। इसी तरह सिग्नल तोड़ते आज मैं ट्रैफिक हवलदार बन गया। समझ गया, ये उसकी माँ है और ये इन्हीं का कुत्ता है, टॉमी। आई सी, टॉमी इनका रिश्तेदार है। पद्मावती, मतलब ये फेक प्रोफाइल नहीं है। पक्का वो जियो सिम इस्तेमाल करती होगी क्योंकि 24 घंटे ऑनलाइन रहती है और जहाँ भी जाती है पोस्ट करती रहती है। अगर माँ मिल गई तो बेटी भी अपने आप मिल जाएगी। देव, लड़की को प्रपोज करना और रसगुल्ला बनाना दोनों एक ही बात है। जैसे रसगुल्ला बनाने के लिए दूध को फाटना पड़ता है, वैसे ही एक लड़की को पटाने के लिए उसका सैंडल खाना पड़ता है। वैसे एक बात बताओ, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, समझा? पहले से पनौती मत लगा। ये कुत्ते वाली मेघना की मॉम है। ठीक से खड़े रहे। हाय आंटी। हेलो। मेघना, मेघना, अरे तुम दोनों ऐसे डर क्यों रहे हो? चलो ना अंदर। ए भाई, बात करो। क्या कर रहे तू? अरे पीछे मुड़ और स्माइल कर और बोल कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। ए, तू मेरा दोस्त है ना, तो फिर इतना डरता क्यों है? अरे कहीं उसने सुन लिया तो?
एनी प्रॉब्लम? लव प्रॉब्लम आंटी। तू डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत से काम लो। ए, देखा तूने आंटी ने क्या बोला? आंटी की तरफ से ओके, अब तो भिड़ जाओ। हे भगवान, हिम्मत है। What the hell do you think of yourself? दिमाग खराब है? कुछ तो सेंस यूज क्या करो, मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए। I want results, no excuse. चलो excuse me. बाल बाल बचे, वरना आज तो सैंडल खाना ही पड़ता। अरे तू डर क्या रहा है, बाहर आना। ओए, डर नहीं रहा हूँ, सावधानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ए, उसे लोकल ट्रेन समझ के रखा है क्या तूने? जानता है उसके लिए इस कंपाउंडर में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। बात में तो उसके दम है। अच्छा तो ये सही कह रहा है ना? हाँ। तो तू जाकर बात कर। नहीं 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 नहीं, जा जा बात कर। अरे वो लड़की नहीं, गैंगस्टर है यार, फोन डालेगी मुझे। अरे बेस्ट ऑफ लक, जाना जाके बात कर। तोड़ दूंगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे हर चीज टाइम पे चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस, ये लेडीज वॉशरूम किधर है? आई थिंक दिस वे। थैंक यू। सारा गुड़ को ऊपर कर दिया। डॉन जैसे यार। पागल। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते हैं, कम से कम उसने बाथरूम के बारे में तो पूछा, तेरी तो आवाज ही गले में अटक गई थी। देख क्या रहा है, ध्यान से सुन, लड़की तेरे पीछे उसे रिजेक्ट कर देने में बहादुरी नहीं है, बहादुरी इसमें है जिसे तुम चाहो उसे इम्प्रेस करके दिखाओ। क्या करना है, उससे बात ही करनी है ना। अरे इतनी देर से मैं क्या फारसी में बात कर रहा था, वो देख जा रही है, उससे बात करके दिखा। Exactly. मैं तब से वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ। So guys, what do you think? Guys? गुब्बारे तो उड़कर फुर हो गए, देखते हैं आइडिया हिट हुआ या फ्लॉप। भाई प्लान के हिसाब से चलना। हाय। हाय, कौन हो तुम? देव। क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटी सी रिक्वेस्ट। क्या? अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक आईडी से मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, अभी तक एक्सेप्ट नहीं की तुमने, एक्सेप्ट कर लो प्लीज। जानते हो मुझे? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अभी तो नहीं, पर जान जाओगी, दोस्त बनने से पहले सभी अजनबी तो होते हैं। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। एनीवे, तुम्हारी किस्मत आजमाते हैं, मैं 2 मिनट में यहाँ से चली जाऊंगी, रिक्वेस्ट ढूंढ कर एक्सेप्ट कर लो। 4,000 फ्रेंड रिक्वेस्ट और सभी बंदे कल्लू भी है, बददार साला, तुझसे तो मैं बहुत में निपटूंगा। टाइम अप। अरे बाप रे, चलता फिरता इलेक्ट्रिक शॉक है यार। सुनो, अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो तुम मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, मैं अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेघना, देव, मेघना की मम्मी ने अपडेट किया है कि कल वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, चल वहाँ चलते हैं। अच्छा एक बात बता, क्या खास है उसमें जो तेरी सुई अटक गई? उसकी आंखें, उसकी आंखों में गुरूर दिखता है, पर बहुत कुछ छुपा है उनमें, समझा नहीं पाऊंगा, और वो ही मुझे उसकी तरफ खींचती है। गुड, कम से कम तुझे तेरी पसंद की लड़की तो मिली, अब बस तेरी गाड़ी को धक्का मारना है। ये ले पेट्रोल पी ले। इसने सही बोला, भले ही तुझे सही ना लगे लेकिन मेरी खातिर एक बार और कोशिश कर लेना। कोशिश कर रहा हूं ना। थैंक यू। भाषा, दूर
बैठे किसी से बात करने से लेकर सरकार चलाने तक ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। पर हम में से कितने लोग दूसरी भाषाएं आसानी से सीखकर बोल पाते हैं? ये सब सवाल मेरे दिमाग में आए और हमने इसका हल ढूंढा। हाँ, तो पूरी दुनिया में चाहे कोई कहीं भी हो, इस डिवाइस की मदद से वो दुनिया के हर इंसान से बात कर सकता है और किसी भी दूसरी भाषा को आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके भी सुन सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। अगर कोई सवाल है तो पूछिए। क्या आप बता सकती हैं कि ये प्रोडक्ट इंडिया में कितना सक्सेसफुल रहेगा? पूरी दुनिया में हमारा इकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 150 से भी ज्यादा भाषाएं। अगर 1% लोग भी इस्तेमाल करें तो कामयाब है। इससे पूछना FM चलता है क्या? और कोई सवाल? हाय, मैंने इंटरनेट पर आपके बारे में जानने की कोशिश की पर आपके काम के अलावा कोई जानकारी नहीं मिली। अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, मतलब कि प्रेरणा लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब कि बिजनेस के सिलसिले में। सवाल पर आइए। 23 साल की उम्र में आपने इतना कुछ अचीव किया, ये कैसे? इस सवाल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। पर मैम, जो यंगस्टर्स अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपके बारे में जानकर उन्हें प्रेरणा मिलेगी, तो प्लीज बताइए ना अपने बारे में। यस मैडम, प्लीज। ओके, मैं 5 साल की थी जब मैं और मेरी माँ एक ऐसे इंसान के साथ जापान घूमने गए जो पिता कहलाने लायक नहीं था। हमें लगा था ये ट्रिप हमें खुशियाँ देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आदमी मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चला गया। हमारे पास पासपोर्ट्स नहीं थे, पैसे नहीं थे और ना ही हमें भाषा आती थी। और तो और, वहाँ की पुलिस ने हमें रेफ्यूजी कैंप पर बंद कर दिया। मेरी माँ पद्मावती इस हादसे की वजह से टूट गई, पर मेरा हौसला बनाए रखने के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान रहती। मेरी माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती थी पर वहाँ काम करने के लिए बहुत छोटी थी और ना ही मुझ में हिम्मत थी। जब मैं सोच रही थी कि कैसे मदद करूं, तब मुझे जवाब मिला, भाषा। वहाँ के लोगों से बातचीत करने में काफी दिक्कत होती थी। मैंने वहाँ ट्रांसलेटर का काम शुरू किया। भले ज्यादा पैसे नहीं मिले पर रोजी रोटी का जरिया मिल गया था और ऐसी शुरुआत हुई उस जिंदगी की जो आज मेरे पास है। इससे पहले कि जूते पड़े यहाँ से निकल ले। हाँ, सही कह रही है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इसको तो पूरी मर्द जात से ही नफरत है। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरी कुलीग आपको जवाब दे देगी। दीप्ति? यस मैम। हे, रुको, कौन हो तुम ये बताओ और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तुम जैसे लोग लड़कों के नाम पर धब्बा। मेघना, कंट्रोल योरसेल्फ। कोई बात नहीं आंटी, इन्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। मैंने ही इनका पीछा किया। मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने या परेशान करने का नहीं था। मैंने तुम्हें देखा और पसंद करने लगा, बस यही बताने यहाँ चला आया। पर आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जो कुछ तुमने पाया है वो छोटी बात नहीं। कांग्रेट्स, बाय। कुछ भी माँ, चलो। देव, उसने तेरी इंसल्ट कर दी और तू है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगता है ये ट्रैकिंग पर जाएगा। मैंने उसे देखा, मुझे अच्छी लगी। मैंने कोशिश की पर बात नहीं बनी। जैसे हमें कोशिश करने का हक है तो उसे भी तो रिजेक्ट करने का पूरा हक है। हाँ बिल्कुल, बात में तो दम है। अच्छा, तो अब क्या करना? पहले तुम लोगों को छोड़ूंगा फिर घर वापस। ठीक है। मेघना, वैसे वो लड़का बुरा नहीं था। किसकी बात कर रही है? वही जिस पर तुम सुबह चिल्लाई थी। माँ, अब आप शुरू मत हो जाइए। आपके लिए तो हर कोई एक अच्छा इंसान है। उसने मुझे फेसबुक पर देखा और पसंद करने लगा। काम धाम है नहीं, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। सो फिल्मी, कोई कैसे कर सकता है? कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे तो इजहार करने में कोई हर्ज तो नहीं, और ना ही इसका ये मतलब कि वो बुरा है। सब कुछ जानते हुए भी आप उसकी तरफदारी कर रही हैं? नहीं, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। बस ये कह रही हूँ कि उसे एक मौका तो दो। तुम्हें क्या लगता है अकेले जिंदगी गुजारना इतना आसान है बिना किसी के साथ के? जो लोग अकेले रहते हैं उनसे पूछ कर देखो। मेरा रिश्ता कामयाब नहीं रहा, लेकिन इसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं, तुम पर भी पड़ा है। I'm sorry. अब इसमें आपकी क्या गलती? जो कुछ मेरे साथ हुआ जरूरी नहीं कि वो सब तुम्हारे साथ भी हो। किसी इंसान को जाने बिना उसे जज मत करो। कोई किसी लड़की के पीछे भागे तो उसका ये मतलब नहीं कि वो गलत इंसान है। क्या पता वो सच में तुम्हें चाहता हो। माना हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इसका मतलब हम जीना तो नहीं छोड़ सकते।
उसे एक मौका तो दो, उससे मिलो, उसे बात तो करो, उसे अच्छे से जानो। तुम जिसे पसंद करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, चलो। ठीक हो? वो चले गए, आ जाओ। क्या हुआ, भाग गए वो? हाँ भाग गए। ये मेरे इलाके की, तू निकल मैं देखता है इसको। तेरे इलाके की है, कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा, चलो। ए, जा रहे वहां, चुप जाओ। आज क्या नहीं जा पाएगा तू? काट डालेंगे तुझे, काट डालेंगे। जा नहीं पाएगा। अरे मुंह क्या देख रहा है, खत्म कर उसे। तू भी जा उसके साथ। उसने बदतमीजी की, मैंने उसे मारा। तुम मुझे जाने दो, मैं लड़की लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। क्या बोला रे? लेकर तो मैं फिर भी जाऊंगा, पर तुम लोग मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। अच्छा, इतना घमंड? कॉन्फिडेंस। उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। अगर मैं नहीं होता तो कोई और मदद करता। बहुत से लोग गुजरे पर किसी ने मदद नहीं की, अगर आप नहीं आए होते तो। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने आपको मेरे लिए भेजा है, क्या आप मेरा साथ देंगे?
श्योर सिस्टर। तुम्हारा नाम क्या है? कृतिका। कृतिका, तुम बहुत सुंदर हो, बोल्ड और समझदार भी लग रही हो। एक बात कहूं तुमसे, कभी जबरदस्ती खुद को रिश्ते में मत बांधना। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसकी वजह से तुम सबको गलत समझोगे, सभी लड़कों से नफरत करने लग जाओगे, पर फिर एक दिन तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा। किसी ने पहले तुम्हें धोखा दिया इस वजह से तुम उस प्यार को ठुकरा मत देना। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, खुश रहो, बहुत वक्त है तुम्हारे पास। ओके। मेरा घर आ गया। आपने अपना नाम नहीं बताया। देव। थैंक्स अ लॉट देव। यार एक दिन इसके चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। ए कृतिका। हाँ? यार धो दिया उसने अपने को। मैंने पहले ही कहा था इसमें खतरा है, लेकिन तुम किसी की बात सुनती कहाँ हो? आज तुम्हारी वजह से किसी की जान जा सकती थी। हाँ पर गई तो नहीं ना। क्या मतलब, तुम ये चाहती हो हम सब मारे जाएं? मैं बस तुम लोगों का प्रमोशन चाहती हूँ। ये लो और जाकर इसे अपलोड कर दो। एक लड़की को कल रात कुछ गुंडों ने पकड़ लिया, पर निडर देव सक्सेना ने बहुत ही बहादुरी से वहां पहुंचकर उसे बचा लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। औरतों की सुरक्षा हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, पर इसका कोई भी हल आज तक नहीं निकला। उस लड़की ने बताया कि वो चिल्लाती रही पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। ए देव, अरे उठ, अरे उठ ना, न्यूज़ में तेरी चर्चा हो रही है और तू सो रहा है। कभी जबरदस्ती खुद को रिश्ते में मत बांधना जिसने तुम्हें धोखा दिया। दीदी देखिए। अरे ये तो हाँ, देख रही हूँ ना। अरे राधा भी प्यार है, टीवी पर आ रहा है न्यूज़ चैनल पर। पर मेरे टीवी पर तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला मिला। क्या ये आजकल कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ कैमरा लगा देते हैं। टेक्नोलॉजी का कमाल है बेटा ये तो। टीवी ऑन कर। हां हां न्यूज़ चैनल। मैं ऑफिस हां जा। एकदम पापड़ बनाना चाहिए था। तुम्हारे पास फॉर्मल ड्रेस है? नहीं। तो खरीद लो, बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। आज मैं आजाद हो गया हूँ, तुम दूंगा आज इंटरव्यू, हो जाऊंगा पास, मेरे ढेर सारे पैसे बना के एक आम इंसान से बन जाऊंगा खास, फिर होगी मेरी कार। हे विकी रुक तो। विकी, ओए रुक तो सही। क्या हुआ, इंटरव्यू नहीं देना? क्या है, तुम लोग मुझे दोस्त कहते हो ना, तो फिर तुम चाहते नहीं कि मैं जिंदगी में कभी खुश रहूं? अरे यार तेरी जगह ये नहीं है, कहीं और है। तेरे अंदर जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल कर। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देख ना ही मुझ में टैलेंट है और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा बाप सही कहता था, मैं वेस्ट हूँ, बर्बाद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा, मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। समझ गया, जरूर तुझे भूख लगी है इसीलिए तो इतना गुस्सा कर रहा है। अबे जाना, चलना तुझे मस्त छोड़ देगा। लड़का लड़की डेट पे गए, चलना यार। लड़का लड़की से थोड़ा घबराया हुआ था, उसने कहा डार्लिंग अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। एक बार एक चूहा और उसका दोस्त एक बड़े से पेड़ के ऊपर बैठे थे। एक चूहा नीचे गुजर रहे हाथी के ऊपर गिर गया। पेड़ पर बैठे चूहे के दोस्त ने क्या कहा, पापड़ बना दे इसका। सही है ना ये बंदा। बैठे एक आदमी ने एयर होस्टेस से कहा, इरिटेट मत कर यार, इसको तो कॉमेडी बोलते हैं। से मिलती है, अच्छी नहीं लगी। एयर होस्टेस ने उसके गाल। Yes? ये क्या कॉमेडी कर रहे हो, हंसी भी नहीं आ रही है। नॉट फनी। मैंने नहीं कहा, ये बोल रहा है। हाँ तो आप आइए ना फिर। चल जा, बुला रहा है। आइए आइए जाना। अरे तू भी ना। अरे जाना, जा तू, मजा आएगा। जा जा, कम ऑन। क्या कर रहा है? अरे जाना, आइए आइए, घबराइए मत, प्लीज आइए। ए मोटे शुरू हो जा, शुरू हो जाइए। गुड मॉर्निंग। हाँ एवरीबॉडी से गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, प्लीज प्लीज कहिए। हाँ उसके बाद अटेंडेंस लोगे ना। ए कम ऑन विकी। अरे ये काम कर रहा है, अपने अंदर चेक करो, गट्स है या नहीं चेक करो। एक्चुअली वहां से कमेंट मारना बहुत आसान है बच्चू, यहाँ आते ही पूरी पैंट गीली हो जाती है। नाउ लेट्स गेट बैक टू रियल स्टैंड अप कॉमेडी गाइस। हाँ शांति मिल गई ना, शर्म नहीं आती तुझे? तू इस कल के कॉमेडियन से डर गया? ए बात इस चिंती से डरने की नहीं है, उसको बोल के हमारे एरिया में आए, फिर दिखाता हूँ उसको मैं। हिम्मत है तुझमें? तुझे क्या लगता है मैं छचुंदर से डर गया? हाँ तो वहाँ जाके बोल बॉस, तो इसे एक बार और कोशिश करने दो, देखना क्या होता है। ए, चल जा, ए, ए, जा ना, जा ऊपर जा। वो क्या कर रहा है?
नमस्ते भाइयों, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा, असली हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी बॉस। तो ये है मेरा दोस्त देव, इसने कहा चल कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी शॉप तो आपको पता है, जहाँ पूरे अंग्रेजी गाने बजते रहते हैं, मेन्यू में कुछ समझ में नहीं आता, कॉफी के नाम पे 30 रुपए की कॉफी 300 में पी लेते हैं और उसे तब तक लेकर बैठे रहते हैं जब तक कि वो ठंडी नहीं हो जाती। टेंशन मत लो, हम सभी ऐसे ही हैं। तो आगे मैंने कहा कि ठीक है चलो कॉफी पीने ही चलते हैं, और आने के बाद देखा ये भाई खड़े खड़े स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे। मैंने देखा है सभी स्टैंड अप कॉमेडियंस ऐसे ही शुरू करते हैं, कपल्स की कहानी सुनाएंगे, चिड़ी की कहानी सुनाएंगे और एरोप्लेन की भी। ये कहानियां तो दादी माँ भी सुनाती थी, तो वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन हो गई ना। अरे हम सबके परिवार में कोई ना कोई स्टैंड अप कॉमेडियन तो होता ही है। मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, आप भी स्टैंड अप कॉमेडियन है। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सभी लोगों में स्टैंड अप कॉमेडियन का कीड़ा चुलबुलाता रहता है। जो भी दिल में आए बस सोचे बिना बक दो, बकने का पैसा थोड़ी लगता है। अब इन्हीं महाराज को ले लो, इनके हाथ में माइक क्या मिल गया तो सुबह से लेकर शाम तक गिटर पिटर चलती रहती है कि अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। अरे जब जागते ही रहेंगे तो सोएंगे कब? अरे भाई आना ना जाना और बेवजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और जानते हैं बिल्कुल ऐसा ही बरसों से चला आ रहा है। क्या मेरे आगे पीछे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या बात है समोसा, तू तो रातों रात सेलिब्रिटी बन गया। कितनी लड़कियों ने नंबर दिए तुझे? एक्सक्यूज मी, सेलिब्रिटी नंबर नहीं मांगती, लड़कियां सेलिब्रिटी का नंबर मांगती हैं। भूलना नहीं कि तुम एक स्टार से बात कर रही हो। क्या देख रहा है तू, दिखा। सही, इसकी तो लॉटरी लगी यार। इसकी मोरनी ने फेसबुक पे ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है यार, बहुत चिल्ला चुकी है, अब ये फोन पर भी चिल्लाएगी देखना। तुझे कैसे पता कि वो चिल्लाने के लिए ही नंबर मांग रही है? अरे मैं इन लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, इन्हें चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता। उसका फोन कैसे आ गया? बात कर। हेलो हेलो हेलो, हे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। फेसबुक पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वो कैंसिल क्यों कर दी? तूने कैंसिल कर दी थी? मुझे लगा कि तुम बात नहीं करना चाहती। ओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बात करना चाहती हूँ। ये खुद बोल रही है। जब तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने अगर तभी एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुम क्या सोचते? ये सोचता कि सब अचानक हो गया। तुम भी मेरी जिंदगी में अचानक आ गए। कभी कभी अचानक हुई चीजें बड़ी मजेदार होती है। तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, जानना चाहता था कि तुम क्या सोचती हो, इसलिए चला आया। ओके और शायद हम अब से एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। दोबारा सोच लो। सिर्फ दोस्ती? तुम सिर्फ दोस्ती ही करना चाहते हो? सच बताओ, सच बताओ, जल्दी बोलना। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हे आयुध है। हां, सिर्फ दोस्ती ही करना चाहते थे ना? नहीं, असल में मेरा तुमसे सिर्फ दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं था। ओके। पहली नजर के प्यार पर मुझे यकीन नहीं, अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं, बात करते हैं, बाद में अगर कुछ लगा तो फिर सोच लेंगे। ओके ओके ठीक है, थोड़ी देर में मैसेज करती हूँ कहाँ मिलना है। बाय बाय। हाय, अच्छी जगह है, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं पर आज ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम्हारी स्माइल भी इससे प्यारी है। पता है एक दूसरे को थैंक्स या सॉरी नहीं बोलना है, पर फिर भी कॉल करने के लिए थैंक्स। क्या बात है यार, ये फ्राइज कहां से लाया तू बेवकूफ? तू बता। इसको छोड़ना यार, वो पक्का हाँ करेगी। हेलो। हाय, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अभी तक पहुँचे नहीं ना? 4 बजे बोला था ना, 20 मिनट पहुँच जाऊंगा। ओके, पर मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुंबई आना पड़ा।
मैं सुबह ही निकल गई थी और भूल गई थी कि आज हम मिल रहे हैं। रिमाइंडर देख के अभी याद आया, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूं। मैं वापस आकर मिलती हूँ ना, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ मैं जब वापस आऊँ तो मिलेंगे ना? ओके बाय। ऐसे मत देखी माँ, मुझे तो तेरी कोई बात समझ में नहीं आती। मीटिंग तो कल है ना, फिर हम आज यहाँ क्यों आए? पहले तुमने उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाया, अब खुद मेरे साथ यहाँ बैठी हो। मुझे पता तक नहीं कि वो कौन है माँ। मैं किसी को कॉफी के लिए बुलाऊंगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे बापरे, किसी के साथ कॉफी पीने जाने के लिए इतना सोचना पड़ता है? माना मैंने ठीक नहीं किया, पर जिसके साथ कॉफी पीने जाने के लिए इतना सोचना पड़े उससे मिलने का क्या फायदा? वैसे भी उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो मुझ में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ज्यादा ही सोच रही हो माँ, मैं लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। 5 मिनट हो गए मुझे फोन किए हुए, अब तक उसकी तरफ से हाय, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू जैसा कोई मैसेज आना था ना? सी, कोई मैसेज नहीं आया। हे भगवान। क्या कर रहा है? मैं यहां से अंदर चली जाऊं क्या? मैं क्यों डर रही हूं? मेघना? हे, हाय। हाय। तुम यहां क्यों आए? और क्या करता? पहले तुमने फोन करके कॉफी के लिए पूछा, फिर मिलना कैंसिल करके तुम मुंबई चली आई। तुमसे मिलने का मन हुआ तो आ गया। तो तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो? ओके, तो अब मिल लिया ना? अब खुश? सिर्फ खुश नहीं, बहुत खुश। तुमने कहा कि 3 दिन बाद मिलेंगे, मैं 3 दिन इंतजार कर लूंगा। वापस आ जाओ, फिर मिलते हैं। सच में तुम यहाँ सिर्फ ये कहने आए थे? तो क्या हुआ, मैं नहीं आ सकता? मेरा बस तुम्हें देखने का मन था। पागल हो तुम। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रुकी हूँ? आंटी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि मॉमी बॉन्डिंग विद मेघना इन मुंबई। तुम कुछ ज्यादा ताका झाकी नहीं कर रहे? या नहीं, नहीं मैं रास्ते में ही हूँ, टाइम पर पहुंच जाऊंगी। अच्छा अब मुझे जाना होगा, मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। आई विल सी यू, बाय। मेरा काम 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरी एक और जरूरी मीटिंग है, पर मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। तब तक अगर तुम रुक सकते हो तो हम साथ बैठकर लंच कर लेंगे। अब जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो 3 घंटा इंतजार भी कर लूंगा। ओके, आई विल सी यू देन।
I'ma do this like I own these streets. I'ma do this, you got nothing against me. Hello. Hi, मैं लॉबी में वेट कर रही हूँ. मैं अभी आया. दे, प्लान क्या है? प्लान? आओ बताता हूँ. आओ बैठो. इस पर? आओ चलो. ओके. एक मिनट. थैंक यू. मुंबई आ चुके हो? कई बार. इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं गया. ओ, अब तक ऐसे कितनी लड़कियों को अपने पीछे बाइक पर बिठाकर इंप्रेस कर चुके हो? बोलो ना. उतनी ही लड़कियों को जितने लड़कों से इंप्रेस होकर तुम उनके पीछे बाइक पर बैठी. हे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे इंप्रेस हो गई हूं? उसी ने जिसने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें इंप्रेस कर रहा हूं. तुमसे ना बातों में जीतना मुश्किल है. जीतना चाहती हो? बता देना, अगर जीतना है तो मैं हार जाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए. फ्लर्ट करना कोई तुमसे सीखे? मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, एकदम सच कह रहा हूँ. झूठे कहेंगे, पर मुझे ही अच्छा लगा. यहाँ खाएंगे? हाँ. बहुत भीड़ है, जगह मिलेगी? वो मुझ पर छोड़ दो. लगता है घर में लोगों ने खाना बनाना छोड़ दिया है. कितनी भीड़ है. एक्सक्यूज मी. लिस्ट देख लीजिए. कौन? क्या आप राहुल रॉय हैं? देव. जरा वेट कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा. भाई गर्लफ्रेंड वेट करिए. अगर आपको एडजस्ट करूंगा तो ये लोग मेरी धुलाई कर देंगे. सीट देते नहीं तो गर्लफ्रेंड बहुत मारेगी मुझे. प्लीज अंडरस्टैंड. अरे ठीक है आप अंदर जाओ, किसी को उठाओ और बैठ जाओ. मेघना, उन्हें बोलना कि कोटेशन मुझे मेल करें. मेघना, या आई विल वेट फॉर द मेल. अरे भाई सबको भूख लगे पता है. रुकिए. मैडम आइए आगे. आ जाओ बैठो. बोलो क्या खाओगी? दो सरसों का साग, दो मक्की की रोटी, बैंगन भरता और दम आलू कश्मीरी भी ले आइएगा और रायता मत भूलिएगा. और हाँ एक मिनट, वो आम लस्सी. लगता है बहुत भूख लगी है तुम्हें. चलो स्टार्टर्स हो गए, अब मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं. मेन कोर्स? और क्या, हमने बात तो की ही नहीं. यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं. वाह, मुझे पता नहीं था कि मुंबई में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है. बहुत शानदार है. तुम हमेशा फ्लाइट से ट्रेवल करती हो और कार में होती हो तो फोन पर रहती हो. अरे मजाक कर रहा हूँ. तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं ऐसी हूँ इसलिए पूछा. ओके, आदत पड़ जाएगी. असल में मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम बहुत हॉट लगती हो. छे, तुम भी बाकी लड़कों जैसे ही निकले ना. मुझे लगा कि तुम कुछ अलग कहोगे. अगर मैं हॉट नहीं होती तो तुम मुझे पसंद नहीं करते ना. ओह एक मिनट, तुम मुझे मेरी बात तो खत्म करने दो. ओके, बोलो. माना कि तुम बहुत हॉट हो, कोई भी लड़का देखते ही दीवाना हो जाए, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी आंखों के परे कुछ देख ही नहीं पाता. तब मुझे एहसास हुआ कि ये फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि कुछ अलग है. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा तुम्हें जानना एडवेंचर होगा और मेरा मन किया तुम्हें जानने का. बस इसी वजह से मैं तुम्हें चाहने लगा. मेरे साथ भी पहली बार हुआ है. मैं बहुत से लड़कों के साथ डिनर पर गई हूँ, ज्यादातर दोस्त या बिजनेस के लिए, पर डेट पर आज से पहले मैं कभी नहीं गई. तुम झूठ बोल रही हो. सच में? अपने बारे में कुछ बताओ ना. जो पूछना है पूछो, मैं बताऊंगी.
मैं ही पूछता रहा तो लगेगा कि इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो फिर मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा सोचो कि हम नहीं है। मतलब बहुत पहले एक राजा था और उस राजा का नाम था देव। समझ गई। वैसे ही एक रानी हुआ करती थी और उस रानी का नाम था मेघना। एग्जैक्टली। और उस राजा को एडवेंचर बहुत पसंद और उस रानी को उस रानी को पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता था। बोरिंग। उसे पैसे खर्च करना बहुत अच्छा लगता था। ओह, क्योंकि उसे पैसे की कीमत नहीं पता थी। एक वक्त आएगा जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो पैसे के पीछे भागने की क्या जरूरत। वो उतना ही कमाना चाहता था जिससे वो पूरी दुनिया घूम सके। अच्छा, रानी क्या हमेशा ऐसी बातें करती थी? क्या मतलब? ऐसे ही सोच सोच के, बहुत नाप तोल के? बिल्कुल नहीं डूड। वाह, ओके बेब। hey. अरे मैं डूड तो तुम बेब हुई ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब थोड़ी देर और रुकते हैं ना। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम करना है और तुम्हें भी तो चेन्नई वापस जाना है। चलो चलो चलो। मेघना, तुमने लाइफ में कभी कुछ एडवेंचरस किया है? जैसे कि क्या? मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम करना चाहोगी? हाँ तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं सोच रहा हूँ बाइक से अकेले चेन्नई चला जाऊँ। तुम भी चलो। क्या दिमाग तो ठीक है? नहीं ना, हम सिर्फ लंच पर मिले और हमारे बीच कुछ ही देर बात हुई, तुम मुझे जान भी नहीं पाई। जरा सोचो, 1500 किलोमीटर का सफर, 22 घंटे तक हम दोनों एक साथ बस चलते जा रहे हैं और चेन्नई वापस पहुंचने तक कम से कम तुम्हें ये फैसला करने में भी आसानी होगी कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। ऐसा सोचना भी मत, मैं नहीं आऊंगी। ओके, थैंक यू। मेघना, मेरी बात मान लो ना प्लीज। नो वे। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें किस्मत पर भरोसा है? क्यों? 20 दिन पहले तक हम अजनबी थे, पर अब देखो कम से कम एक दूसरे से हाय या बाय जितनी पहचान तो है। मैंने कभी किसी लड़की से ये नहीं पूछा और ना ही कभी मेरा दिल किया। फर्स्ट टाइम, ये कुछ अलग ही एहसास है। बाइक की जगह मैं फ्लाइट या प्राइवेट जेट से आ सकता था, मैं यहाँ जल्दी पहुंच जाता, पर मैं इतनी दूर बाइक चला कर आया। पता है क्यों? क्योंकि पूरे सफर में तुम्हारा ख्याल मेरे साथ था। मैं नहीं जानता क्यों हुई है, शायद इसीलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुम भी यही चाहती हो। मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, यकीन करो, बिना किसी उम्मीद के। सच कहूं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है। चलोगे मेरे साथ? ओके। सेफ है माँ, मैं 2 दिन में चेन्नई पहुंच जाऊंगी। देव, तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। अब इन्हें भी मनाना पड़ेगा क्या? आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छा लड़का हूँ, उसका ख्याल रखूंगा। अरे खोजू, तुमने इसे मनाया कैसे? कॉन्ग्रेट्स। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। चाहे कुछ हो जाए देव, उसे छोड़ना मत। ऑल द बेस्ट। थैंक्स आंटी। मेघना, मजेदार है ना? तुम और मैं बाइक पर साथ में, लंबा सफर, अच्छा है ना? असल में ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और तुम्हारे साथ? इसकी तो मैं तो भैंस के आगे बीन बजा रहा था। अरे क्या हुआ? तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं? क्यों, क्या हुआ? मैं कड़ी धूप में बाइक चला रहा हूँ, बेचारा बच्चा, तुम बात भी नहीं कर सकते मुझसे? अच्छा, वैसे भी जब तुम यहाँ आए थे तब भी अकेले ही थे ना? वो सब मुझे नहीं पता, मेरी आंख लग गई और एक्सीडेंट हो गया तो। नहीं नहीं, सॉरी, मैं बात करती रहूंगी। पक्का? हाँ। गुड। अच्छा सुनो, मैंने आज पेपर में पढ़ा एक और पॉलिटिशियन ने घोटाला किया है। ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्या होगा इस देश का? तुम रहने दो, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। देश को? तुम्हें। मेघना, क्या तुम मेरे साथ अंताक्षरी खेलना चाहोगी? यूं ही गाते गुनगुनाते सफर चुटकी में बीत जाएगा। तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तुम्हारे अलावा और है कौन यहाँ? गो ऑन। पांच मिनट। जल्दी जल्दी। टेस्टी है ना?
मेरी फेवरेट जगहों में से एक है, यहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ। ए मेघना, इस तरफ से। मेघना, मेघना, मारा। ना हुआ। आओ तो। ठीक है, दस मिनट। हाँ। ओके। देव, हम इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। मुझे रास्ता मालूम है, घबराओ नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, किसी से रास्ता पूछ लो प्लीज। इस वक्त कौन जग रहा होगा? ऐसे भी क्या जल्दी थी? भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। अच्छा, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके, पर सरप्राइज क्या है ये तो बताओ। रुको, 1, 2, 3, 4। वाह, साइबेरियन पंछी बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक बात पूछूं, तुमने ये सब प्लान कब किया? उस वक्त जब मैं मुंबई आ रहा था। I hate you for this, but thanks. बहुत खूबसूरत है। मैं इस जिंदगी की खास लड़की के साथ हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। इससे खूबसूरत और कोई पल नहीं हो सकता। मेघना, आई लव यू। देर हो रही है, चलो चलते हैं। मेघना, कहाँ ना चलते हैं? करने में जल्दबाजी कर दी मैंने, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। ये सब तेरी वजह से हुआ, गलती हो गई जो तुझे लेकर आया। पर वो अभी भी तेरे साथ है, तुझे छोड़कर नहीं गई है, मतलब उसके दिल में कुछ है। अभी तो यही है, अब तक तो गया नहीं। रात में ये रूट सेफ नहीं है, इसलिए मैं बाद में निकलूंगा। ओके, सो जाओ। Yeah!
नाइस रोड जंक्शन से बोल रहा हूँ, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी यहाँ एम्बुलेंस भेजिए। ओ कोई बात नहीं बेटा, रोना नहीं। हे हाँ? वो सब ठीक है, सीट बेल्ट ने उन्हें बचा लिया, चलो। हे तुम पागल हो क्या, उन गुंडों के साथ ऐसे ही भिड़ गए? तुम्हें कुछ नहीं मतलब हमें कुछ हो जाता तो? अगर होना होता तो हो ही जाता, सब नजरअंदाज कर देंगे तो मदद कौन करेगा? सारी बेवकूफियां तुम्हारे हिस्से पर, सही किया। तुम्हारी वजह से उस छोटी बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, अगर तुम मदद के लिए नहीं रुकते तो वो मुस्कुराहट कहीं खो जाती। मेघना हाँ थैंक्स। किस लिए? मेरी तारीफ करने के लिए। चलती हूँ, बाय। सिर्फ बाय? बारिश शुरू होने वाली है, जल्दी घर पहुंचो। तुमने बताया नहीं कि तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अब ए तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखोगे। याद है, फिर भी ये तो बता दो कि हम लोग फिर से मिलेंगे या नहीं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये बात बिल्कुल सच है, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, या फिर कभी चाहूंगी भी या नहीं। शायद हम अच्छे दोस्त रहे। 2 हफ्ते बाद मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, तुम्हारा जब मन करे मुझे मैसेज करना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगी। बाय। परेशान हो? नहीं बहुत खुश हूँ, तुम छोड़ के तो जा रही हो। ओ, इसका मतलब मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं करोगे? प्यार का एहसास खुद होता है, जबरदस्ती से यह एहसास नहीं करवाया जाता। अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो परेशान क्यों हो रहे हो? दिमाग को तो पता है, पर यह मामला इस दिल का है। इडियट। क्या अब क्या किया मैंने? इडियट। हद है यार इसकी भी। मना भी नहीं कर सकता, पालतू कुत्ता बनाकर रखा हुआ है मुझे। वाह, इसे भी अभी आना था। क्या है? इडियट, मुझे अपने साथ कुछ वक्त और नहीं रख सकते थे? तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? हमेशा। और तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर ही होना चाहिए, मुझे कभी धोखा मत देना। कभी नहीं। सच सच बताओ, मुझे इतना क्यों चाहते हो? जब मैं तुम्हें देखता तो डर लगता था। हाँ क्यों, क्या मैं तुम्हें कोई चुड़ैल लगती हूँ? हंस क्यों रहे हो, बोलो ना। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था लगता था जिंदगी अकेले जी लूंगा, पर अब डर लगता है कि नहीं जी पाऊंगा। I love you too.
ये क्या है? मेरी माँ। प्लीज कुछ बोलो ना। ठीक है, कुछ इससे भी खूबसूरत तुम और मैं और तुम हम। Are you okay? भरोसा रखो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर खुद पर नहीं। मैं बहक गई तो कम से कम बारिश रुकने तक तो। तुम्हें तो बारिश बहुत पसंद है ना, अब जाओ जाओ। सच में जाऊं? बाय। हाय। खुद पर भरोसा हो जाए तो बता देना, रात भर बैठकर बात करेंगे। हाय, आई लव यू। क्या बात है, तेरी तो निकल पड़ी। अब आगे बता क्या हुआ, बता ना। अरे बस करो यार, शर्म आ रही है। शर्म आ रहा है तो निकल पड़ी यार। जब तुम्हें प्यार होगा ना पता चलेगा। हमें प्यार? तेरे होते कभी ऐसा हो सकता है क्या? अरे उसी का फोन है। हाय बेबी। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ था। तुम मुझसे मिलने आओगी? मैं शाम को काम से बाहर जा रही हूँ, फिर हफ्ते भर बाद आऊंगी। एक हफ्ता? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। या तो मुझे भी तुम्हारी आएगी। मैं भी चलूं साथ में? तुम चलोगी? हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो। अगर नहीं है तो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सच में? ठीक है तो मैं आ रहा हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। जैसे तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसी तरह प्यार भी दोस्ती के लिए बहुत हानिकारक होता है। प्यार की चिड़िया हमारे देव को उड़ा कर ले गई। हेलो। हाँ हाँ, मैं एक घंटे में पहुंच जाऊंगी। हाँ देव, देर हो रही है बेबी, कम। हेलो, क्या कह रहे हो? हम कल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, इस वक्त तो मुझे ये बता रहे हो? हेलो, नहीं नहीं नहीं, डील नहीं कर सकती हूँ, मैंने तुमसे पहले कहा ना। हाँ, मेरा रूम प्लीज बुक कर दो। बचा ले। Congratulations. He's my boyfriend. Thank you, sir. Tum tension bilkul mat. और उसके बाद पता है क्या हुआ? दोनों इतनी जोर जोर से हंसने लगे और मैं पूरी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं रही, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। चाहे जैसे भी हालात हो, हम हमेशा खुश रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पर अगर हमारा कभी झगड़ा हो गया तो? अरे हमारा झगड़ा होगा क्यों? नहीं, हर रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, आगे जाकर हम झगड़ने लगे तो क्या होगा? सिंपल, मैं तुमसे झगड़ा करूंगा ही नहीं। और अगर किया तो? ओके कम ऑन, मुझसे झगड़ा करो। ए,
क्या है ये सब? तुमने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर तुम्हें बहुत सारा एडवेंचर दिखता है और इसीलिए तुम मुझे चाहते हो। हाँ कहा था तो। पर अगर कल को वो एडवेंचर दिखना बंद हो जाए तो क्या तुम मुझे प्यार करना हमेशा के लिए छोड़ दोगे? मेघना क्या हो गया तुम्हें? नहीं बताओ, मेरे लिए जाना इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर तुम मुझसे प्यार करने की वजह पूछोगे तो मैं तुम्हें हजारों वजह बता सकता हूँ, पर वो जवाब काफी नहीं है, क्योंकि प्यार को सिर्फ शब्दों में नहीं बांध सकते, ये तो एक एहसास है। नहीं झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी आंखों में सच नजर नहीं आता। कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता, और जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं ना उन पर भरोसा नहीं होता। मैं ही बेवकूफ थी जो इस जाल में फंसती चली गई। तुम भी मुझे पापा की तरह छोड़ दोगे? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ अच्छी तरह से। अरे देव क्या हुआ तुम्हें? छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो? देव दिल दुखाने के लिए थैंक्स। सुनो मैं मजाक कर रही थी, प्लीज देव। नहीं झूठ मत बोलो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैं कुछ भी करूं कोई फायदा नहीं। देव प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। देव प्लीज। हेलो बेबी, तुम रो क्यों रही हो? कौन था वो? बहुत ही बदतमीज लग रहा था। हेलो, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच की बात है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो लड़का? छी 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 छी, बहुत बुरी पसंद। कहां तुम चांद सी खूबसूरत हूर, वो जंगल का लंगूर, अरे तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। अपने काम से काम रखो। ओके ओके। ए कहां जा रहे हो? अरे मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कर रही है? जरा चश्मा। अरे लग रहा है यार, दोबारा ऐसा मजाक किया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। ये बात है। हाँ। संभल के, इस बार तो वापस आ गए, पर अगली बार ऐसा हुआ तो वापस नहीं आऊंगा। क्यों? बहुत अक्कड़ है ना तुम में? अगर तुम नहीं आए ना तो मैं आ जाऊंगी। मैंने पहले कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं किया, और शायद मैं कभी किसी भी कर भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे अलावा। प्लीज कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी मुझ पर तुम्हारा भरोसा डगमगाए तो मेरी मां से पूछना, ये तुम्हें बताएंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। प्यार किसी पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं होता। जिसे प्यार हो जाए वो एक ऐसी भैंस बन जाता है जिसके आगे कितने भी बीन बजाओ उसके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। चलो अब हम आगे की कहानी पर चलते हैं। तो हमारा ये देव वापस अपने घर पहुंचा चेन्नई। थैंक यू। मुझे थोड़ा और क्रिएटिव डिजाइन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा और क्या क्रिएटिव बनाएगा। ए देव जरा इधर आना। ये देखिए हमारे नए मॉल का डिजाइन है। सच बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तेरे पापा को तो कुछ पसंद ही नहीं आता, तेरे दिमाग में अगर कोई डिजाइन है तो बताना। और ऑप्शन है क्या? क्या हम और ऑप्शंस देख सकते हैं? श्योर, क्यों नहीं। पेंसिल, हमारी साइट की मेजरमेंट्स क्या है? हाफ एकड़ सर, आगे से 120x180 के आसपास। एफएसआई? एफएसआई 2 के करीब होगा। वाह बहुत अच्छा है। पापा ये एक आइडिया है, अगर फुटप्रिंट कम कर दें, बिल्डिंग थोड़ी ऊपर उठी हुई बनाएं तो हमें पार्किंग ज्यादा मिलेगी। अपनी साइट 4 रोड जंक्शन पर है ना, वहां भीड़ भी ज्यादा होगी। इस तरह का आर्किटेक्चर सबके लिए एग्जाम्पल होगा, यंगस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। क्या बात कही इसने, इसी डिजाइन पर बनना चाहिए। ओके सर। अच्छा बेटा, कंस्ट्रक्शन का काम संभाल लोगे ना? ठीक है पापा। Thank you. You guys carry on. Sure sir. इस डिजाइन पर काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही मॉडल बन जाएगा आखिर इसी का डिजाइन पास हुआ ना। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आओ ना बेटा। पापा,
मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। मेघना नाम है, बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ माँ है, यूएसए में रहती है, खुद की कंपनी है इसकी। मैं चाहता हूं ये हमारी फैमिली का हिस्सा बने। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती। क्यूट। आगे क्या सोचा बेटा? मैं हमारा बिजनेस संभालना चाहता हूँ पापा, पर मैं यहां रहूंगा और वो वहां, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो उसे परेशानी होगी। वो बहुत अच्छी लड़की है पापा, बचपन में उसने बहुत कुछ सहा है। जब भी मेरे साथ होती है तो खुश रहती है, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है तू। तेरे दिल में जो आए वही कर, बाकी कुछ मत सोच। फिर चाहे वो कोई भी बात हो, इसकी कोई जरूरत नहीं कि आगे चलकर तुझे अपना फैमिली बिजनेस ही संभालना है। तू साथ नहीं रह सकता तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। थैंक यू पापा। पापा, पर मैं अपने नए मॉल के कंस्ट्रक्शन का काम संभाल लूंगा। थैंक यू, ये तो हो गया, पर लड़की से कब मिलवा रहे हो? अभी वो थोड़ा काम में बिजी है पापा, भूमि पूजन पर बुला लूंगा उसे। गुड, तभी मिल लूंगा। हाय बेबी। हाय बेबी। क्या कर रहे हो? जॉगिंग। और क्या? फ्लाइट 6:45 की है और अभी 2 बज रहे हैं, तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। बेबी, ये भिक्षा करने का काम लड़कों का होता है। मैं आ जाऊंगा। ओके। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, मैं आर्किटेक्ट मूर्ति बोल रहा हूं। हां बोलो मूर्ति। आप शाम को 6 बजे साइट पर आ जाएंगे प्लीज? भूमि पूजन के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं, अगर आप आज डिजाइन अप्रूव कर देंगे तो अच्छा होगा। पर शाम को मेरी फ्लाइट है, 3:30 बजे मिल सकते हैं? ये क्या है? मैंने क्या डिजाइन बताया था और आपने क्या बनाया है? ये तो उससे एकदम अलग है। सॉरी सर, इसीलिए हमने आपको बुलाया था, अगर कुछ घंटे आप हमें दें तो हम डिजाइन फिर से तैयार कर लेंगे। 1 घंटे में मेरी फ्लाइट है सर। बेबी तुम निकले या नहीं? नहीं, एक जगह फंस गया हूँ, एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। Hey, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेबी तुम चले जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। Is it okay? Okay. See you in 3 days. Bye. मैं बाद में फोन करता हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे पता है ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, एयरपोर्ट पर पहुंच के मुझे सरप्राइज देगा। हाय बेबी। बेबी कहाँ हो तुम? तुम्हें बताया तो था कि 3 दिन लगेंगे। ओह। ट्रैवल सेफ। ओके। बाय। ऐसा क्या काम है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, किस काम में इतना बिजी है? पिछले साल के मुकाबले इस साल 7.5% रेवेन्यू ज्यादा आया है, हम इसे बेहतर प्रोग्रेस के रूप में तो देख सकते हैं, पर इतना काफी नहीं है। फ्यूचर में हमें और रिसोर्सेज की जरूरत होगी ताकि हम प्रॉफिट को और बढ़ा पाएं। हमें मेघना की तरह परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देना होगा जिससे फ्यूचर रिटर्न्स बेहतर हो सके। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर उसके भरोसे बैठे रहे तो लेने के देने पड़ सकते हैं, हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हाय बेबी। क्या हो गया तुम्हें, कहाँ पर हो तुम? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा हूँ। मुझे किसी सरप्राइज की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। कितना अच्छा होगा अगर सब लड़कियाँ तुम्हारी जैसा सोचने लगे। अच्छा बेबी, बाद में फोन करता हूँ। सुनो ना, मोरनी का फोन था। हाँ उसी का था। हाँ बता। ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। अरे ये लास्ट वाला एरिया है, देखती हूँ ये कब तक मुझे फोन नहीं करता। रात में भी काम कर रहा है। हेलो। हे बेबी, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। हे, ये सब क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे अकेला भेज दिया और खुद नहीं आए? तुम्हें सरप्राइज देना था बेबी। क्या सरप्राइज है बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। बताओ ना देव। हाँ हाँ बताता हूँ, चलो तो सही। ठीक है बताओ, ये कौन सी जगह है? चलो तो सही, बस यहीं पर है। फाइन। टाटा। हाय सर। हाय। वेलकम। ये देखो, मेघना मॉल। मेघना मॉल? पता है किसने डिजाइन किया है? किसने? जरा सोचो।
अच्छा तुम्हें किसी से मिलवाना है, एक मिनट रुकना, मैं भी आया। शर्माना नहीं, पेट भर के खाना। मेघना आ गई। आ गई है? अरे इधर आओ। ये सर ने डिजाइन किया है, सिर्फ 5 दिनों में बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए उन्होंने दिन रात एक करके इसे तैयार किया है। अगर वो ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन बिजनेस में वो सबको पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने आपके बारे में बताया, आप बहुत लकी हैं, इतना अच्छा परिवार और सर भी बहुत अच्छे हैं। कहाँ है? यही तो थी। आइए आइए, पूजा के लिए देर हो रही है, चलिए पंडित जी। हाँ, आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। आइए आइए आइए, जल्दी चलो। हाँ, आ रहा हूँ। हेलो मेघना, कहाँ हो तुम? मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये बिल्डिंग ही तुम्हारा सरप्राइज था क्या? हाँ यही था। इसी की वजह से 36 घंटों तक तुमने मुझसे बात नहीं की। 36 घंटे? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अकेला मत छोड़ना, और तुम मुझे अवॉइड करते रहे। मैंने तुम्हें कहाँ अवॉइड किया? इन 36 घंटों में तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं था कि मुझसे ठीक से बात कर सको, ये भी कोई सरप्राइज है? क्या कर रहे थे इतना समय? यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहा था। अचानक से कंस्ट्रक्शन में इतना इंटरेस्ट हो गया? मेघना, पापा ने पहली बार कुछ कहा था। कैसे मना करते थे? ठीक है, और कितना वक्त तुम कंस्ट्रक्शन में बिजी रहने वाले हो? इसके पूरा होने तक मेरे ख्याल से 6 महीने और। तो मेरा क्या, मुझे वक्त नहीं दोगे? मेघना, मैं पूरी जिंदगी बिजनेस नहीं करने वाला। तुम मुझे बिजनेस का पार्ट मत पढ़ाओ, मुझे पता है एक बार शुरू होने के बाद क्या होता है। इसी चीज से मैं हमेशा डरती थी, इसलिए मैं बार बार तुमसे पूछती रही। मैं तुम्हें चाहने लगी वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे पास रहोगी, मुझे वक्त दोगी। बेबी, ये सब कुछ जाने दो, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझा नहीं। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुमने पिछले 28 सालों में किया है मैं चाहती हूँ कि वही अगले 50 सालों तक करते रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी चीज की कभी भी परवाह नहीं करते, हमेशा लाइफ एंजॉय करते हो। बेबी, तुम सबसे अलग हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है। चूज किया है? मैं क्या कोई चीज हूँ? अब तक सिर्फ तुम अपने बारे में सोचती रही, तुमसे बड़ा सेल्फिश कौन हुआ? ओह, तो अब मैं तुम्हारे लिए सेल्फिश हो गई? अगर एक लड़की सुंदर है तो उसके साथ रहने में एडवेंचर है, एक बार उससे शादी हो जाए तो वो घर संभालेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को संभालेगी। तुम सारे लड़के लड़कियों से यही चाहते हो, है ना? और मैं सेल्फिश। अगर मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसा चुना है जो मुझे पूरी उम्र खुश रखेगा, तो उसमें सेल्फिश होने वाली कौन सी बात आ गई? मेघना, सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, सोचो। और तुम प्यार की बात कर रही हो, वो जितना तुम्हारे लिए मायने रखता है उतना ही मेरे लिए भी रखता है। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। यही कहा था ना मुझसे? अब तुम बदल गए, समझ गई, एडवेंचर के नाम पर तुम्हें तो आदत है ना जगह बदलते रहने की, तो यही तुम अब लोगों के साथ भी करोगे? तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम पर किसी को गर्व हो। क्या कहना चाहती हो तुम, कि मेरी कोई औकात नहीं है? तुम मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहती हो? जो तुम्हारी बात सुने, अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। हाँ, मैंने प्यार नहीं किया, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अब बात करने का कोई फायदा नहीं, कट बाय। मेघना, बात बढ़ा रही है तुम। हेलो हेलो, मेघना चलो जल्दी। तुम रो क्यों रही हो, कुछ बताओ तो सही। बस अब मैं और नहीं रोऊंगी, मैंने टिकट्स बुक कर दी है, हम वापस जा रहे हैं। मेघना क्या हुआ, बता तो सही। मेघना, उसने कुछ कहा है क्या? मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, सब एक जैसे होते हैं। क्या? मुझे नहीं रहना यहाँ। पर हुआ क्या? मुझे जितना वक्त चाहिए ना वो मुझे नहीं दे सकता, एक बार हम पापा से धोखा खा चुके हैं, अब मैं किसी दूसरे आदमी से धोखा नहीं खाना चाहती। जल्दबाजी मत करो मेघना, ठंडे दिमाग से सोचो, दीप बहुत अच्छा लड़का है। मुझे वो इंसान अब नहीं चाहिए। मेघना मेरी बात सुनो, आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? मेघना, 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 I'm sorry. तुम बात हम सुलझा लेंगे, प्लीज कार रोको।
मिस्टर राम सक्सेना, मेरा बेटा कैसा है? बॉडी में 4 फ्रैक्चर्स हैं, हालत नाजुक है, किसी को उनके साथ रुकना पड़ेगा। सॉरी पापा, मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया, बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। हमने सोचा था कि हमारी बेटी का नाम और बेटे का नाम है क्यों होगा, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा ये उसे अच्छे से पता है। फिर भी वो मुझे अकेला छोड़ गई, अपने साथ वो मेरी जिंदगी भी ले गई। पापा उसके बगैर मैं अधूरा हूं, पापा कैसे जीऊंगा मैं? देव, मैं समझ रहा हूं तू जिस दर्द से गुजर रहा है। जब तेरी मां की मौत हुई थी तो मेरी भी ऐसी हालत थी, उस समय तुम लोग मेरे साथ थे, आज इस दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं जानता मेघना ने जो किया सही था या गलत, पर ये जानता हूं कि मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। तेरा जो भी फैसला होगा मैं उसमें तेरे साथ खड़ा हूं बेटा, पर मेरे अंदर तुझे खोने की हिम्मत नहीं है। तेरी हंसी तेरी पहचान है, इसमें मुझे तेरी मां देखती है, इसलिए किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं। मां, दरवाजा खोलिए मां, आप मुझसे नाराज क्यों हो रही हैं? पहले उसने मेरा दिल दुखाया, अब आप तो ऐसा मत करिए प्लीज। मुझे लगा देव का साथ पाके तू बदल जाएगी, पर तुझे तो किसी के रिश्ते की कदर ही नहीं है, तो बात करके फायदा क्या है? आप सो गए हो? अंकल, आपका नाम क्या है? देव। देव अंकल, चोट कैसे लगी? क्या आप गिर गए थे? हाँ, गिर गया था बेटा, पहाड़ चढ़ रहा था। आप पहाड़ पर चढ़ते हो? अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है? मैं मीनाक्षी, ये डोरा है। मेरी माँ का नाम भी मीनाक्षी था। ओ, मुझे पता नहीं था। जानते हो अंकल, मुझे और डोरा को ये हॉस्पिटल पसंद नहीं है। मैं एक दिन ना अपनी डोरा के साथ पहाड़ पर जाके चुप जाऊंगी, पर मुझे बर्फीले भालू से डर लगता है। तुम तो मेरी डोरा को वहाँ पर ले जाओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। What the hell is going on? पूरी की पूरी टीम का ध्यान कहाँ है? अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो क्या इस कंपनी में कोई काम नहीं करेगा? मैडम। What? आने से पहले हमको बोल तो दिया होता। मुझे लगा था मैं बहुत स्ट्रॉंग हूँ। अरे, पर पता नहीं था इतना दर्द होगा। तो टेंशन मत ले देव, सब ठीक हो जाएगा। तो इतना मत सोच, जरूरत पड़ेगी तो हम उससे बात करेंगे यार। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे पता है वो एक दिन जरूर वापस आएगी। और अगर वो नहीं आई तो? हनीश, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? वैसे तुम बुरी तो नहीं हो, बस खुद के बारे में ज्यादा सोचती हो। तुम्हारा मतलब मैं सेल्फिश हूँ? खुद सोच लो। अगर तुम्हें भगवान से कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे? कि बस एक बार मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। अगर मेरे अलावा कुछ और मांगने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें मांगूंगा। समझ गए ना? अरे अब बोलो, दुनिया में सिर्फ तुम मुझे चाहते हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम कोई रिस्क नहीं लोगे। तुम कहोगी वही करूँगा। मीनाक्षी की आखिरी विश थी कि ये डॉल तुम्हारे साथ रहे। और थोड़ा चलोगे ना तो उसको आराम मिलेगा। अपने आप को तकलीफ देके क्या मिला तुझे? वो गई तो उसे जाने दे, उससे अच्छी मिलेगी तुझे। तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। मैंने सच्चा प्यार किया उससे, ऐसे कैसे भूल जाऊं? बेटा तेरी हालत ठीक नहीं है, जाना जरूरी है क्या? हाँ पापा, उसे तो खो ही चुका हूं। डर है कि कहीं खुद को ना खो दूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, मुझे जाने दीजिए पापा। अपना ख्याल रखना बेटा। तुम्हारा हर कदम यहाँ खतरों से भरा पड़ा है, हर पल मौत से सामना होगा, संभल के चलना होगा। तुम्हारे हो ना? में पहले भी बहुत मौतें हो चुकी हैं। हर कदम संभाल कर रखिए, आगे चलते रहिए एक साथ। संभल 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 आराम से। अरे संभल के ला, मुझे अपना बैग। दैट्स ओके, दे दो। ला स्वाति, देव आर यू ऑल राइट? तुम लोग यहां शायद मस्ती के लिए पहाड़ चढ़ने आए हो, पर मैं यहां इसलिए आया हूं कि मैं अपना दर्द भुला सकूं। पहले मेरे लिए बस ये एक इच्छा थी कि मैं एवरेस्ट चढ़ूं, पर अब ये मेरी एक जरूरत बन गई है। अवार्ड्स भले ही हमें जीत का एहसास करवाएं, पर मेरे लिए काफी नहीं है। मैं खुश तो हूं, पर मुझे और तेजी से आगे बढ़ते रहना है। इसे पार करना होगा।
संभल के, संभल के। थ्री एवलांच आने की संभावना है, किसी को ऊपर मत जाने देना। आई रिपीट, बेस कैंप थ्री, किसी को ऊपर मत भेजना। Oh.
यहाँ पर ले जाओगे ना? प्रॉमिस? प्लीज मुझे छोड़ना मत, प्लीज। ठंडे दिमाग से सोचो, दीप बहुत अच्छा लड़का है। बुरी तो नहीं है, खुद के बारे में ज्यादा सोचते। मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करना, कभी छोड़कर मत जाना। मैंने तुम पर भरोसा किया है। बिना ऑक्सीजन के इतनी ऊपर चले गए, कोई जाता है क्या? ऑफिसर चेक करते रहना। कुछ हो जाता तो मीना क्या होता? ये सब उस मेघना चुड़ैल की वजह से हुआ ना, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे वो ही चाहिए। पर वो लड़की बहुत घमंडी है और मैं उस जैसी नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ।
मैं उसके बिना नहीं जी सकता, वो भी नहीं जी सकती। तो वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? हम जाते हैं ताकि लौट सके। तुम नहीं सुधरोगे, कभी नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी को अगर दिल से चाहो तो वो मिल ही जाता है। जैसे सुपरमार्केट में बाय वन गेट टू फ्री का ऑफर होता है, उसी तरह देव की जिंदगी में मेघना के साथ साथ दो बच्चे भी आ गए। मेरे दोस्त, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए सिर्फ अपने दिल की सुनो। हमारे दिल को पता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा समझदार है।